रूम वूम सब कंपनी देती है क्या? सब तो अच्छा है फिर, महंगा लग रहा कुछ खाने भी? खाने का ब्रेकफास्ट का। अरे ब्रेकफास्ट से लेके हम लोग का 1400-1500 आदमी का इंटरव्यू लिया। ओके, उसके बाद उसमें 200 आदमी का सिलेक्शन हुआ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू फील आर वेरी वेल। सो गाइस, इससे मैं चैलेंज किया तो ये भाई बोला कि बेकरी में काम करते, तो ऐसे बहुत को ऐसा बेकरी में आना चाहता कुवैत में। सो बहुत को ऐसा कमेंट करते हैं जो ये सुबह क्या बेकरी में कोई बंदे से इंटरव्यू लो, उसके बाद अपलोड करो तो अच्छा रहेगा, कितना सैलरी है और क्या क्या है। तो ये भाई साहब, भाई आप नेपाल से हो ना? या नेपाल से, तो मैं इससे पूछने वाला हूँ। ये बोला कि मैं 8 ईयर्स हो गया कुवैत में, तो एज ए बेकरी आप पहले बेकरी में आए थे क्या? तो पहले से बेकरी में? ओके, तो आपको सब चीज़ का पता है मतलब बेकरी में? ओके, तो यहाँ का जो ब्रेड व्रेड का, यहाँ पे तो इंडिया और यहाँ का ब्रेड थोड़ा अलग डिफरेंट है, क्योंकि मेरे को भी बेकरी मालूम है, इसलिए मैं बेकरी में आया था, बट मेरे को बेकरी नहीं दिया, डायरेक्टली बूचर में डाल दिया, बूचर में काम कर रहा हूँ अभी। सो ये बंदा बोला है बेकरी में, तो इससे मैं पूछने वाला हूँ कितना सैलरी है और क्या क्या यहाँ की लाइफ कैसा है और जो भी हो सब चीज़ पूछने वाला हूँ। सो यहाँ पे 8 साल हो गया, तो आप नेपाल से यहाँ कैसे आए? नेपाल से कैसे रहा? मतलब वीज़ा जो आप लिया था तो कैसर का वीज़ा मिला आपको? मेरे को कंपनी इधर से सेंड किया था। ओके, उधर जाके कंपनी के जो मैनेजर है, मैनेजर नेपाल में गया, नेपाल में मैनेजर गया, उसके बाद उधर सब लोग का, नेपाल लोग का सब लोग का उधर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद उसका कम से कम हम लोग का 1400-1500 आदमी का इंटरव्यू दिया। ओके, उसके बाद उसमें 200 आदमी का सिलेक्शन हुआ था। ओके, 200 आदमी का, तो आप इसका मतलब फ्री में आए थे, फ्री रिक्वायरमेंट में? ओके, तो 1 रुपये भी खर्चा नहीं? नहीं, दलाली तो बीच में खाएगा ही नहीं, को तो कुछ भी करके नाम का दलाली जैसे, हाँ वो तो फ्री में है, जैसे मेरा भी आया था, बट 1 रुपये भी खर्चा नहीं, सच में 1 रुपया, इवन 1 रुपया जो होता है ना वो भी नहीं दिया था। इधर मेन पावर में कॉन्टेक्ट किया ना, इसलिए नहीं, मेन पावर सेम ऐसे ही गया था ना वापस, एजेंट से आया ना हम लोग। ओ, आप एजेंट से? तो आप एजेंट से, मतलब एजेंट से आए, तो कितना खर्चा हुआ था फिर भी? मेरा लिया था जो एजेंट लोग लिया था, वो 1 लाख लिया था। ओके, 1 लाख, जो उन लोग जो बाद में जो वीडियो बनाए 1 लाख लेने के बाद, वो बोलता है 10,000 लिया बोल, तो बोला अरे बहुत चालू आदमी है। इधर सब हर जगह दलाली है, दलाली इंडिया में भरे पड़े हुए। तो ये बेकरी में आया, तो यहाँ पे बेकरी के लाइफ कैसा है थोड़ा बता दो, जो बेकरी में ऐसा कैसा है एंजॉय यहाँ पे, मतलब सैलरी के मामले में? अपना अपना अलग अलग है। ओके, अपने जो हम लोग के साथ जो आया, अभी हम लोग के जो ग्रुप में आया था कम से कम 160 आदमी लोग आया था। हाँ, 160 में कम से कम 40 आदमी तो बाहर हो गया, उन लोग बाहर चला गया, कंपनी से बाहर छोड़ के चला गया 40 आदमी, और आदमी है कम से कम उसमें आधा आदमी है, कोई आदमी कैंसर चला गया। सैलरी कंपनी का सैलरी टाइम में, सैलरी जो सैलरी ना जो बिल्कुल टाइम में मिलता है, टाइम में जो लेट मिलता है। सो अभी इससे मैं पूछने वाला हूँ सैलरी कितना मिलता है, क्योंकि मेन तो सैलरी के मामले में आता है कोई भी, ऐसा देखो कोई भी कुवैत आता है सैलरी के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्जॉय करने कोई नहीं आता है, तो आपका सैलरी कितना है ऐसा आइडिया अगर बताना भी नहीं चाहते हो एग्जैक्टली तो आइडिया में बता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं उधर से 180 दिनार में आया था, मैं उधर से 80 दिनार में, 180 नहीं 80 KD में आया था, ओनली 80 KD में आया था। ओके, अभी 118 हो गया मेरा, 118 अभी 118 हो गए, ओवर टाइम करके मेरा 200 दिनार तक सैलरी आता है, 200 दिनार तक। जो अपना जो कंपनी है अल्फैसल कंपनी, अच्छा कंपनी, वो अच्छा है, टाइम पे सैलरी देता है, टाइम पे जैसे मतलब 30 तारीख को सैलरी देती है हम लोग को, अभी महीना होने से पहले 23 की सैलरी मिल जाता है। क्या बात है, अच्छा है, नहीं अपना भी सेम ऐसा है। सो ये बंदे का ऐसा मॉरल ऑफ द सैलरी जो बोला जाता है 200 KD जैसा सैलरी है, तो 200 KD आई थिंक अच्छा ही सैलरी है अगर बेकरी में 8 साल हो गया, बट थोड़ा और ज़्यादा अगर होता मेरा आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि बेकरी का यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम लोग का जो बेकरी नहीं है ना, जो हम लोग का फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है, जो रेडीमेड जो माल बनता है जो मार्केट में जाता है वो चीज़ है वो। अभी ये सुबान में है, सुबान में, तो आप बस रूम वूम सब कंपनी देती है क्या? सब, तो अच्छा है फिर, महंगा लग रहा कुछ खाने भी? खाने का ब्रेकफास्ट का। अरे ब्रेकफास्ट से लेके ब्रांच लंच डिनर सब कुछ? डिनर तो अगर नाम का ज़्यादा का डिमांड आ जाएगा, हाँ, तो उसके ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को चांस मिलता है, ओ नहीं तो फिर वही जल्दी जाएगा, फिर वही खाना खराब होगा, तो मॉर्निंग के टाइम तो वही है बस, ब्रेकफास्ट लंच तो आपका रेडी है। ओके, तो गाइस अच्छा है, मैं समझा लग रहा, मतलब जैसे अपना क्या है, अपना सैलरी ज़्यादा है, बट कैसे हम लोग को खाना जैसे एक टाइम तो होटल से खा के आ गया, तो रूम से खाना खाते हैं रूम पे बना के, तो अच्छा है बंदे लोग का ऐसा। अगर 118 KD बोला आपने सैलरी, तो अगर कंपनी का अगर
फॉरेंगे में डिनर करके आ गए तो आपका पूरा पैसा तो सेव हो जाता है, रूम कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी सब चीज़ दे रहा है। तो अच्छा है ऐसे दूसरे के हिसाब से। तो कंपनी कौन सा बोला था, क्योंकि कंपनी बहुत जानना चाहता आदमी। अल्फैसल। अल्फैसल बहुत मस्त कंपनी है ना, अल्फैसल एंड स्वीट कंपनी। सो उसके हिसाब से तो अच्छा है गाइस, क्योंकि ऐसा बहुत कोई ऐसा जो भी आना चाहता है, देखो गाइस ऐसे करके आओ जो कंपनी हर चीज़ दे उसमें एक्स्ट्रा जो खर्चा है ना, एक रुपया इवन एक रुपया भी खर्चा नहीं होगा। ये लोग एक रुपया बस छुट्टी कर दी, जैसे आज डे ऑफ है लग रहा है, तो आज डे ऑफ के दिन जो इन्जॉय किया उसमें खर्चा हुआ उतना है, उससे ज़्यादा और नहीं खर्चा होगा। सो गाइस अच्छा है जो भी ऐसा सोच के आ रहा है जहाँ कंपनी कैसा, तो ऐसा छुट्टी आपको हफ्ते में एक दिन मिलेगा। एक साल में कितना छुट्टी मिलता है सर जाने के लिए, घर घर जाने के लिए एक महीना। अगर आप चाहो तो 3 मंथ भी जा सकते हैं। ओके, तो विथ पेड मनी या विथ नो पेड? पेड तो पेड करता है, अच्छा है। कि और यहाँ टिकट देता क्या, ट्रेन का टिकट? अपना वो अपना कंपनी पैसे देगा तो अगर इमरजेंसी भी जाओगे तो अपना सब चीज़। ओके, तो अच्छा है अगर दूसरे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है सच में। बंदे को आप इंटरव्यू लेकर अच्छा भी लगा, क्योंकि बंदे लोग का सैलरी अच्छा है उसके हिसाब से अच्छा ही लगा। सो गाइस जो भी ऐसा आना चाहता कुवैत, ऐसा कंपनी देखो जो हर चीज़ दे, जैसे रूम से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़, वो सब बंदे का वैसा जो कंपनी रहे ना वो सब कंपनी में आओ तो बहुत अच्छा है। सो गाइस अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, ओके बाय।